for you are being assisted. Any shall we take your passengers with the हम लोग बस निकल रहे हैं अपने घर, और इस समय ना मतलब 2:50 हो रहा है अभी यहाँ पे रात के, और हम लोग की फ्लाइट है 6:50 है। तो हम लोग को हमेशा लगता है बस 2 घंटे लगते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा पहले निकलना होता है। और बारिश भी हो रही है आज, बस हम दोनों बैठ गए हैं और ये लोग सामान ही रख रहे हैं। और जब हम लोग अपार्टमेंट से निकले तब तक मतलब 2:55 हो गया था, और हम लोग अपार्टमेंट से बाहर निकल गए थे। और रेनिंग भी बहुत हो रही थी, बट हम लोग ने इमेजिन ही नहीं किया था कि हाँ हम इतने जल्दी पहुंच जाएंगे। इतना अच्छा ड्राइवर वाला मिला और इसे अच्छे रूट से ले गया कि हमको मतलब विद इन 1 आवर के अंदर हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच गए। और फर्स्ट टाइम ये हमारा टर्मिनल 2 है जो हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 2 से, अदरवाइज हम लोग टर्मिनल 1 पर ही जाते थे। और ये इतना अट्रैक्टिव, इतना अच्छा है ना कि मतलब इसको मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत आई कैचिंग है ये। इसका जो प्लांटेशन किया गया है ना, पूरे रियल प्लांट है, कोई भी मतलब प्लास्टिक के प्लांट है ही नहीं, पूरे रियल प्लांट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक हम सभी को प्लांटेशन जहाँ कहीं भी देखते हैं अपने घर में हर जगह बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें ये टर्मिनल 2 ना बहुत अच्छा लगा। और समझो मतलब जैसे मैं बहुत सारे एयरपोर्ट पे जा चुकी हूँ, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, चेन्नई, पुणे, इलाहाबाद, बट जितना अच्छा यहाँ का है ना मैंने आज तक अभी तक कहीं नहीं देखा है। मैं ज़्यादा देर नहीं गई हूँ, बट जितना मैं गई हूँ उसमें से मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बस इसे के हैंगिंग जो लगे हुए लाइट है, बट उसके ऊपर भी प्लांटेशन किया गया है, तो वो भी बहुत अच्छा। पूरा ये जो है दोनों साइड में गैलरी जैसा है ये पूरा, और दोनों साइड में बहुत अच्छे से मतलब प्लांट को लगता है कि बस इसको निकालो, चलो ले चलो अपने घर में भी लगा लो। मैंने कहा चलो निकालते हैं इसमें से, लौटते समय निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। ये बोले हाँ इतने सारे कैमरा चोरी करोगी, तो हम क्या मतलब मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा मतलब लगता है कि बस यही थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और जितना सा वर्क है ना ये मतलब सारे सारे लकड़ी के ही हैं। मुझे तो जहाँ तक लग रहा था ये जैसे कि बांस होते हैं ना, बम्बू, वो उसी के बने हुए हैं। और बहुत ही आई कैचिंग, बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा था, आई थिंक हमें सभी को अच्छा लगेगा, ये सभी को अच्छा लग रहा था। तो बस बहुत अच्छा था, तो हमारा फर्स्ट टाइम था तो और भी अच्छा था। तो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, पूरा कवर कर लो, फिर अभी जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब अभी जाएंगे। तो बस इसीलिए बहुत अच्छा लगा, सब रियल प्लांट। अभी तो बहुत टाइम हो गया है तो और सर भी दर्द करना थोड़ा सा शुरू हो रहा है, तो सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो बस चाय तो थी नहीं, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी ही पी लेते हैं, तो बस मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। अभी इसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं और मतलब इसका मुंडन कराना है तो जा रहे हैं, और मम्मी की एनिवर्सरी भी है, 50th एनिवर्सरी, तो बस एक साथ 2 काम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, खाओ खाओ खाओ, केक का रहा है। ओह नो, ये लो अपने आप ही इसको उसमें वो करना है। वेरी नाइस, वाओ, क्लैप, आप कैसे खींचोगे? हाँ स्लोली स्लोली, सी कीप इट स्लो। ओ मिस हो गया, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन बेटू। समय वहाँ पे यूपी में बहुत गर्मी है, दीदी वही बोले इतनी गर्मी में मुंडन कराना बहुत ज़्यादा वो है, बट क्या करें उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस, और ये इतनी बड़ी कॉफ़ी कप की, माय गॉड, मुझे कहा इतना, मैंने इनसे पूछा है, बोले नहीं, तो इनको तो चाय ही चाहिए होता है, तो मनीष ने चाय ही पिया और मैं तो अपना कॉफ़ी पी के फिर निकल दिए हम लोग।
ओके चलो अपना गेट नंबर 5 पे है तो वहाँ पे चलते हैं, और उसके बाद ही फिर गेट के पास रहो तो थोड़ा सा सही रहता है। अभी सारा चेकिंग वेकिंग हो ही गया है, बोर्डिंग हो ही गई है, अभी तो हुआ है तो बस। लेकिन इतना अच्छा, इतनी लाइटिंग देखिए आप, लाइटिंग देखिए इसकी, अपने आप को रोक नहीं पाओगे आप, 100% गारंटी है। और बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला अरे थोड़ा सा मेरा कुछ तो रिकॉर्ड कर लो, और मैं हमेशा मेरा ही सेल्फी और ये रहता है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं करता है मेरा, मेरे हस्बैंड बच्चे सब ऐसे ही हैं, मैं खुद ही रिकॉर्ड में लगी रहती हूँ, तो बस ऐसे ही मेरा जो हो जाता है। बट इतना अच्छा है ना, अभी ये लॉज में चले गए हैं अपने खाने के लिए, अपना क्रेडिट कार्ड दिखाया गया, मेरे पास तो है नहीं कि मैं दिखाऊँ और जाऊँ, बस फ्लाइट का टाइम ही हो रहा है हम लोगों का, अभी बाहर रेनी हो रही है, जब निकले थे तब भी रेनी हो रही थी, अभी भी रेनी ही हो रही है। तो बस हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं, बस टेक ऑफ होने वाला है और फिर यूपी पहुंचेंगे, इतने ठंडे मौसम से इतनी गर्मी में तो हालत क्या होगी पता नहीं, बस बहुत एक्साइटेड है सब बच्चे। और कहना का तो स्कूल चल रहा है, स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है इसको, क्या करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा ऐसा ऐसे ही। करता है ना और निर्वाण भी ब्लिप भी देखता है तो बस उसी को एरोप्लेन एरोप्लेन करके खेल रहा है, अच्छे से अच्छा लग रहा है। देखते हैं इसके बाद हम लोग जब लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो मतलब जब तक तो एयरपोर्ट पर रहता तो अच्छा ही रहता है। देखो इसकी तबीयत ऐसी भारी पड़ी हुई है, ये कुछ नहीं खा पी रहा है। हमने कैब बुक किया है, अब कैब अभी 10:30 तक आएगी और हम लोग की चलो खाना फ्लाइट शुरू आ करो। गई थी ऑन टाइम, बट मम्मी ये कुछ खा नहीं रहा है, अब हमें ही मम्मी खाना होगा। चलिए हम लोग हाँ खाते हैं, फिर कैब से निकलते हैं, फिर दीदी के यहाँ पहुँचेंगे। बाद में इस बच्चे दोनों सो गए कार में, मैं बैठी हूँ। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।